हेलो एवरीवन, आज है 18 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 130 रुपए का शेयर है, आज 4% की गिरावट यहां पर आई है। हालांकि देखा जाए तो पिछले एक महीने में तेजी तो थी यहां पर, 106 रुपए से लगातार भागा था ये, 128 पे गया। आज एक्चुअली में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही थी और यहाँ पर भी एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी हेल्दी करेक्शन है। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो पिछले एक साल को, तो एक चीज़ क्लियर है, देखिए 68 रुपीज़ से लगातार भागा ये, 95 तक गया, वापस से करेक्शन आया, 85 पर आया ये, वापस तेजी बनी, 112 रुपीज़ पे गया था ये, वापस करेक्शन आया, 95 पर आया, वापस तेजी बनी, यहाँ पर 128 पर गया है। यहाँ पर दोबारा करेक्शन के आसार नज़र तो आ रहे हैं और वापस से थोड़े बहुत करेक्शन के बाद ये तैयार भी होगा एक नई रफ्तार के लिए, लेकिन कुछ टाइम का ये करेक्शन रहेगा। हालांकि आज का जो करेक्शन की जो वजह है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो जो सबसे बड़ी वजह है वो मर्जर को लेकर है। अगेन यहां पर ये जो थी वो उड़ती उड़ती खबरें थी। दो पीएसयू के मर्जर की चर्चा हो रही थी, जिनमें से अगर आप देखोगे तो स्पेकुलेशंस थे सोशल मीडिया पर विथ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिनमें से यूनियन बैंक एंड यूको बैंक, इन दोनों के मर्जर की बात थी, और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों के मर्जर की बात थी। द डॉक्यूमेंट हुज सोर्स कुड नॉट बी वेरीफाइड से दैट द पार्लियामेंट्री कमेटी विल होल्ड डिस्कशन विथ फोर पीएसयू बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अंडर द बैंकिंग लॉ। तो ये चर्चा थी कि भाई साहब जनवरी में ये चीजें हो सकती है यहां पर, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही उन पीएसयू बैंक्स ने यहां पर कुछ भी इसके रिगार्डिंग मेंशन करा हुआ है। तो देखा जाए तो ये जो आप देखो पूरा डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है, यूको बैंक, यूनियन बैंक, और यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा था यहाँ पर, और जिसके चलते कह सकते हैं कि तेजी भी देखने को आई। लेकिन बाद में ये भी है कि देखो मर्जर इज नॉट इन द प्लान इन नियर फ्यूचर एज ऑफ द नाउ, मतलब अभी के लिए जो मर्जर है वो अभी नहीं होने वाला है, कोई प्लान ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आज नहीं तो 1 साल 2 साल बाद भी कुछ कुछ पीएसयूज बैंक जो है वो मर्जर डेफिनेटली होने वाले हैं, टाइम लगेगा, ठीक है, मर्जर होने का चांसेस पॉसिबल यहां पर हो सकता है फ्यूचर में। और जहां तक बात करी जाए यूनियन बैंक की, देखो वॉल्यूम आज बड़ी क्वांटिटी में थे, 3 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए यहां पर। इतना ही नहीं, बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, 20% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। और जहां तक बात करी जाए इस बैंक में तो नंबर अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो लगातार इंक्रीज मोड है, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो लगातार एक बड़ा इंक्रीज यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिला है, और यही वजह भी है कि डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। इस साल इसने 3 रुपए का डिविडेंड पे किया है पर शेयर, जो कि अच्छी बात है। और शेयर प्राइस में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, अगले साल डिविडेंड 3 रुपए से भी ज़्यादा का देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। और जहां तक बात करें इतनी बड़ी तेजी के बाद वैल्यूएशन की, तो 7.75 का इसका पी रेशियो है, महंगा नहीं है सेक्टर P19 के मुकाबले। तो देखा जाए तो इतनी बड़ी तेजी के बाद भी अभी भी आप इसको महंगा पहली चीज नहीं बोल सकते हैं। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर यहाँ पर कौन है, गवर्नमेंट है, 76.99% की होल्डिंग है, और गवर्नमेंट ने अपने स्टेक OFS के जरिए यहाँ पर बेचे भी थे। जून तक 83.49% की जो होल्डिंग थी वो घटकर 76.99 पर आ गई है यहाँ पर, और अभी भी शायद थोड़ी सी और क्वांटिटी कम करेंगे अगले साल या फिर उसके बाद कभी भी, कब मतलब 75 के नीचे लेकर जाएंगे इसको, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के पास 2.71% की होल्डिंग है, 9.99 डोमेस्टिक के पास है। बड़ी क्वांटिटी में अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक वालों ने ही खरीदारी करी थी, 6.09% से बढ़ाकर 9.99 पर लेकर आए। FIIs की 2.88% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 7.43% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 2.86% की होल्डिंग पर है। देखिए ओवरऑल सरकारी बैंक है ये, और बुरा बैंक नहीं, अच्छा बैंक है, इवन मुझे पसंद भी था ये जब ये काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा था, और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे कि भैया 85-90 के नीचे मुझे ये बुरा नहीं लगता है, और इवन उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रहा था तब तो और अच्छे मौके से, तब भी मेरे वीडियोज़ कई सारे थे यहाँ पर, इवन 50 के नीचे था तब भी मेरे वीडियोज़ थे कि मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे
तो एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ जरूर रहा है। हालांकि एक बड़े करेक्शन से गुजरा भी था, लेकिन अब वापस एक बड़ी तेजी की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल का, 1-1.5 साल में ये पोटेंशियल, एक सॉरी 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ये आपको 150 रुपये के आसपास भी देखने को मिल जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर आप ग्राफ देखोगे पिछले 1 साल का, तो एक चीज़ देखने को मिली है कि जब भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, तो उसके बाद 15-20% का करेक्शन यहाँ पर दोबारा से देखने को मिला है। जैसे कि 112 रुपये से गिर कर ये 95 पर आया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। मुझे लगता है कि 7 या 8 या फिर 10% का करेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो खरीदारी के मौके हैं वो 110 रुपये के नीचे जब ये जाएगा, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखो बढ़ भी सकते, क्योंकि वो मार्केट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट बुल रन में है कि नहीं, इवन मार्केट, पूरे मार्केट का क्या मूड देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो देखो अगर आपके पास है तो लॉन्ग के लिए आप मतलब बेचने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से यहाँ से अगर 7-8% का डिक्लाइन आता है तो वहाँ से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। और 6 से 8 महीने का जो होराइजन है वहां पर मुझे तो 150 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। हाँ, बस ये है कि ये मर्जर वाली चीज़ें बीच में ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आएगा और किसी ऐसे बैंक के साथ मर्जर होना होगा इनको, जो बैंक एक्चुअली में वीक है कंपेयर टू दिस बैंक, तब डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और तब चीज़ें एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर चीज़ें नहीं आएगी नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से है उस तरीके से अगर ये चलता रहेगा तो दिक्कत नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर बीच में गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन आ गया जो इनके फेवर में ना हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ हैम्पर यहाँ पर करेगी, तो उसको भी फैक्टर करना ज़रूरी रहेगा बाद में। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि बैंक अच्छा है, बुरा नहीं, और इवन सरकारी बैंक मुझे लगता है कि अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में भी, और दमखम तो है यहाँ पर भी। लेकिन हाँ, कहाँ पर पोजीशन बनानी है वो देखना चाहिए, कहाँ पर सस्ता है कहाँ पर महंगा है वो पता होना चाहिए। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।